हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई के गोट लवर। दोस्तों, आज मैं आया हूँ फिर से एक बार चाकन बकरा मंडी। यहाँ पर आप सबकी फरमाइश थी और आपको काफ़ी वीडियो पसंद भी आती है चाकन की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बकरे आते हैं और अलग अलग ब्रीड में, मुख्तलिफ ब्रीड में आते हैं यहाँ पर। तो आज हम चलेंगे और देखेंगे कि बकरों का प्राइस क्या है और कुछ बकरों वाले से बात भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये दो बच्चे दिखे मुझे, ये भाई के शायद। भाई, आपके बकरे ना ये? हाँ, हमारे। आपका नाम क्या है? शंभू। शंभू, आप हमेशा बकरे लाते हैं? हमेशा लाते हैं। कितने बकरे लाते भाई आप? 10-12। 10-12 बकरे लाते हैं। तो छोटे बच्चे ही लाते क्या? छोटे बच्चे जैसा मिले माल। अरे, जैसा मिले वैसा। हाँ, दो हज़ार से लेके 20,000 तक बकरा लाते। 2,000 से लेके 20,000 तक लाते। ओके, तो 2,000 में भाई कितने महीने का बच्चा आता है? वो क्या छोटा बच्चा, पालने के हिसाब से नहीं क्या? 15-17। देसी बकरा? देसी बकरा। गावरन? गावरा। खूबसूरत। तो आज आपने दो बकरे लाए के भाई? हाँ। ये मेल है या फीमेल है? मेल है। मेल है, ठीक है। इसका चेहरा दिखाइए जरा, काले वाले का। जी, ये पहले वाला काफ़ी अच्छा कलर में, दूसरा वाला भी, दोनों का भी अच्छा कलर है भाई। हाँ, अच्छा। तो कितने मांग रहे हैं इनके आप, और इनकी डिटेल क्या है? पहले डिटेल बताइए इनकी। डिटेल? वजन कितना होगा इनका? और कितने महीने के होंगे ये? इनका वजन है 15 किलो, 8 किलो, 7 किलो। 8 किलो, 7 किलो, ये डेढ़ महीने के। कितने महीने के? डेढ़ महीने के। डेढ़ महीने की? हाँ। डेढ़ महीने में अच्छा ग्रोथ किया इन्होंने। हाँ, दूध अच्छा पिलाए। अच्छा, दूध अच्छा मिला इनको माँ का? डबल डबल दूध पिलाए ना इनको, ग्रोथ अच्छी हुई इनकी। मतलब एक्स्ट्रा दूध पिलाए। तो भाई, ये कितने मांग रहे हैं आप? मैं मांग रहा 9,000। 9,000 वो मांग रहे? हाँ। तो ये आपके हिसाब में सही प्राइस है क्या? आपने तो अभी बोले कि 2,000 में बच्चे मिल जाते। हाँ, वो अलग, जरा छोटे से लेके बड़े, या अभी 4-4.5 हज़ार के रेंज। ओके, 4.5-4.5 हज़ार वो मांग रहे आप, है ना? तो ये फाइनल कितना होगा एक, अगर कोई लेने आता है तो? ये भी पाल सकते ना भाई, डेढ़ महीने का बच्चे है ना सिर्फ? पाल सकते। पालने फाइनल कितने में देंगे आप एकदम? 8,500 तक दे देंगे आप? ठीक है। तो आपका नंबर शेयर करेंगे कि अगर किसी को बकरे लेने होंगे फ्यूचर में? हाँ, तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपका नंबर बता दीजिए। 705-77-42632। दोस्तों, यहाँ पर ये फीमेल और ये बच्चे काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, तो इनसे पूछा हमने कि आप बात करेंगे क्या। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बात नहीं करते, थोड़ा इनका कारोबार की वजह से, क्योंकि इनको बहुत जल्दी जो भी ये लाते मेल फीमेल, इनको बेचकर घर पे आना होता है। तो ये अंकल हमें मिले। सर, आपका नाम क्या है? शेख खलील नवाब। शेख खलील जी, तो ये फीमेल की क्या डिटेल है इसका? हाँ, ये फीमेल की डिटेल्स क्या है, कितने महीने की है और वज़न कितना है इसका? ये अभी खाली हो गई, इसके नीचे दो बच्चे हैं जी। ये देख लीजिए इसके बच्चे। ये बच्चे कितने महीने के? ये बच्चे अभी एक 4-5 दिन के हैं जी। और ये फीमेल कितने महीने की है? ये 2-2.5 साल के। 2-2.5 साल की है, ठीक है। तो ये दो बच्चे ही देती है? दो देती है, कभी कभी तीन भी देती है, कभी कभी एक भी देती है। ऐसा तो कोई परफेक्ट नहीं है कि भाई दो ही देती है, ऐसा कुछ भी नहीं जी। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, कभी दो भी देंगे, कभी तीन भी देंगे, कभी एक भी देती है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा तीन देती है और कम से कम एक देती है, ठीक है। तो ये टिपिकल एक देसी बकरी है ना? ये देसी बकरी, गावरन बकरी जो बोलते हैं। हाँ, लोकल भाषा में। हाँ, गावरन जी। तो इनका प्राइसिंग कैसा रहता है, कितने तक आती है ये दो बच्चे के साथ में? अब दो बच्चे के साथ में देखो, अब ये दुबली है तो थोड़े से कम प्राइस लग जाएगा। ओके, और अगर ये अच्छी हेल्दी रहेंगी जी, तो ये बकरी अगर लेना जाए तो 15,000-20,000 तक भी आती है जी। अगर दुबली है तो कम रेट होगा, और तो अच्छे रहेंगे तो 20-25 हज़ार तक भी जाती है। तो ये कितने तक आएंगी? एक अंदाजन एक 14-15 हज़ार तक आ जाएंगे ना? ये कैसे आ रहे हैं इसको? ये 13-14 हज़ार। 13-14 हज़ार तक आ जाएंगी दोनों बच्चों के साथ में? हाँ, दोनों बच्चों के साथ में। और ये बच्चे 2-3 दिन के बोले आपने ना? हाँ। 4-5 दिन के, सॉरी। हाँ, 4-5 दिन के बच्चे, और कलर काफ़ी अच्छा है इनका जी। तो ये फीमेल दूध कितने देती है सर? अब ये देंगे कम से कम 3 लीटर दूध देंगे, 2-3 लीटर। 2-3 लीटर दूध देंगे। तो ये बच्चा, जो बच्चे दूध पीने के बाद में 1 लीटर बच जाएगा ना? हाँ, 1 लीटर, है ना? तो बच्चे भी पीते हैं और कुछ बचने की वजह से तो आप निकाल भी लेते हैं, है ना? ठीक है, थैंक यू सर। दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर एक फीमेल देखी दो किड्स के साथ में,
इनका प्राइस मांग रहे हैं ये 13,000 रुपए तक आती है बोल रहे हैं ये दोनों बच्चों के साथ में। तो अगर किसी को लेना होगा तो चाकन बकरा मंडी यहाँ पर आ सकते हैं लेने के लिए। यहाँ पर काफी सारे बकरे थे, भाई बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से? बस अल्लाह का करम है भाई। कहाँ से आते हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ से 25 किलोमीटर पर देहात हैं, चास कमान करके, तो वहाँ से आते हैं, जंगल पर से माल लाते हैं हम। जंगल से माल लाते हैं? जी जी जी। तो आप हर एक घर घूम घूम कर जमा करके यहाँ पर? शेतकारी लोग जो होते हैं, काश्तकार लोग, उनके खेड़े पर जाके, जंगल पर जाके ये माल जमा करते हैं जी। तो आज कितने लाए आपने? आज कितने बकरे लाए आपने? आज हमने तकरीबन एक 25-30 बकरे लाए। 25-30 बकरे लाए, दिखा देता हूँ पहले। तो इसमें जो कुर्बानी के लिए चलते हैं दांत वाले, वो कितने हैं और बिगड़ दांत वाले कितने? अभी तो कुर्बानी के हमने लाए ने अभी 2 महीने बाकी है जी, माल शुरू हो रहा है जी। अभी देहात से देहात जो है उसके तालुके से और ज़िले से और आउट ऑफ महाराष्ट्र से भी माल आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी शुरू हो रहा है जी, अभी धीरे धीरे जो है मंडी के अंदर जो है माल आना शुरू हो रहा है, दिन ब दिन जो है उसका मार्केट जो है चालू हो जाएगा। तो अभी ये साल मार्केट कैसा रहने वाला है, हाई रहने वाला है या मीडियम रहने वाला है? तो अभी तो उम्मीद तो है माशाल्लाह, जो है बकरा आ रहा है और माल के एतबार से जो है दाम लग रहा है। धीरे धीरे जैसे ईद करीब होते जाएंगे मंडी का जो है रेट भी बढ़ता चला जाएगा। ओके ओके। तो उस एतबार से जो है भाव लग रहा है अभी। ओके। तो आज आपने कितने बकरे लाए बोले आपने? आज 25-30 बकरे लाया हूँ मैं। 25-30 बकरे लाए जी, जी। तो इसमें दांत वाले कितने और बिगड़ दांत वाले कितने? दांत वाले जो अक्सर ये जो चलते हैं वो पालवे चलते हैं, यानी नर बकरा होता है वो चलता है। अभी हमने तो आज कुछ लाया नहीं है जी। अभी जो दुकान का जो माल है, जो दुकान का रोजाना का जो माल है वो माल लाया हूँ। ओके। जैसे कि मटन शॉप होती है वो माल लाते हैं आप, है ना? हाँ जी जी। क्योंकि अभी 2 महीने बचे हुए ईद को। जी बिल्कुल। तो अभी इतने लिए तो लोग लेते नहीं है जी, उसको रखना होता है, पालना होता है, उसकी जो है उसकी खिदमत करना है ना जी, खिदमत करना है उनकी। तो ज़्यादातर तो लोग मैं देखा हूँ कि 10 से 15 दिन पहले लेते हैं। हाँ जी। जो ज़्यादा ये करते हैं और कुछ कुछ लोग 1-1 महीना पहले लेते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। तो अभी एक हम 2 बकरे निकाल के दिखाएंगे कि इनका वजन कितना है और प्राइसिंग कैसा रहने वाला है, ठीक है? तो ये दूसरा नंबर का जो बकरा है अच्छा दिख रहा है काफ़ी, तो इसकी डिटेल्स थोड़ा सा बताइए कि ये कितना वजन है और बकरा कितने महीने का है? ये बकरा तकरीबन 9 महीने का है। 9 महीने का होगा? 9 महीने का, तकरीबन 8.5-9 महीने का बकरा है। ओके। और इसको दांत नहीं लगे हैं, ये बकरे के दांत नहीं लगे हैं, ये बकरे के दांत नहीं लगे हैं, ये गैप भी नहीं किया उसने। हाँ जी। इसकी ये चलेगा नहीं, ये जो हाँ ये दुकान को चलेगा। ये तो मटन शॉप के लिए लाया आपने? मटन शॉप। तो ये कितना वजन है इसका और कितना मांग रहे हैं आप? ये तकरीबन जो है इसका वजन इंशाल्लाह ताला 15-16 किलो आ जाएगा। गोश्त? जी गोश्त आएगा, गोश्त आ जाएगा। तो ये ऐसा जिंदा कितना है? ये जिंदा वैसा देखे तो उसका डबल करना है, 30 किलो पड़ सकता है। 30 किलो के ऊपर से 30 किलो पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसका कितना मांग रहे हैं आप? अभी इसका हम जो है इसका 11,500 रुपये मांग रहे हैं। 13,500 रुपये? 11,500 रुपये। तो ये नेगोशिएट होता है ना, ये आप एक जो बोलते हैं प्राइस? हाँ जी, उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हाँ। सामने वाला कुछ बोलता है आप जी 8-8.5 से मांगना शुरू करते हैं जी। तो ये फाइनल कितने तक दे देते हैं आप? ये हम जो है 9-9.5 के दरमियान इंशाल्लाह छूट जाएंगे इंशाल्लाह। 9-9.5। तो ये बकरा तो अगर कोई नॉर्मली लेते हैं तो उनके घर में कुछ प्रोग्राम है जैसे कि शादी का या न्याज वगैरह है जो भी है जी, और काफ़ी सारे लोग जो है वो मंदिर वगैरह के लिए भी लेते हैं यहाँ पर, है ना? तो ये उनके लिए सफिशिएंट बकरा ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये 15 किलो गोश्त निकलेगा इसमें से। तो ये इसमें से एक कुछ प्रोग्राम करते छोटा मोटा हो जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। ये कितना बोले आपने फाइनल इसका? बोले 9.5 तक जाएगा। मैं 11,500 बता रहा हूँ जी। 11,500 बोल रहे हैं तो आप 2,000 रुपये ज़्यादा बोल रहे हैं जी, है ना? तो उसके अंदर नेगोशिएट करते हैं ना, कम ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल कम ज़्यादा हो जाता है। कोई छोटा वाला बकरा दिखाएंगे एकदम छोटा वाला? ये देखो ये 10 की पट्टी है, 10,000 की पट्टी है। 10 बकरों की पट्टी? अच्छा 10 बकरों की पट्टी, सॉरी। तो ये कम से कम वाला कितने का लाइस में? अभी ये जो है इसके अंदर कोई नर भी होता है कोई मादा भी होता है जी। ये जो है ये छोटा दिख रहा है बकरा? ये छोटा होता है और ये बड़ा बकरा है उसके अंदर, वो भी बड़ा बकरा है। ये छोटे वाले का जो मैंने आपको हाथ दिखाया ना जी, वो कितने तक आ जाएगा? ये छोटा बकरा है, ये नर, ये मादी है। मादी है? हाँ मादी है। ओके। तो ये 5,000 तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। 5,000 तक आ जाएगी जी, जी। इसमें गोश्त कितना निकलेगा? अभी इसमें 9 किलो हमने देखा है, आगे जो दुकान वाला जो आगे पीछे कर लेता है। ओके ओके ठीक है, जजाकल्ला भाई। तो अभी आप कुर्बानी का माल भी लाने वाले ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी शुरू हो जाएगा, अभी शुरू हो जाएगा। अंदाजन कितने दिनों में शुरू होता है? अभी 15 दिन के बाद में माल आना शुरू हो जाएगा। मैंने सुना जुलाई में 10 तारीख को ही दे। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, है ना? तो अभी 2 महीने बचे हुए। जी जी जी। तो अभी अगले महीने से शुरू हो जाएंगे? हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जजाकल्ला भाई। जी जी। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर बिगड़ दांत के बकरे देखे आज के, काफ़ी अच्छा भाई का।
तो अगर किसी को लेना है तो यहाँ पर आ सकते हैं कि छोटे छोटे बकरे कितने प्राइस में मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे बकरे थे तो ये भाई से बात की हमने। भाई आपका नाम क्या है? इरफान कुरैशी। इरफान कुरैशी, कहाँ से आते हैं आप यहाँ पर बकरे लेकर? हम दुलिया से। दुलिया? दुलिया महाराष्ट्र। तो कितने बजे निकलते हैं आप रात में वहाँ से? हम 8:15 निकल जाते रात में। हाँ जी ठीक है। तो कितने बकरे लाए आपने आज? हमने लाए 101 बकरा लाए। 100 बकरे लाए थे जी। तो अभी काफ़ी कम दिख रहे। तो इसमें कुछ माल चले गया, कुछ माल बचे लाए। ओके ओके। तो दांत वाले कितने लाए थे आपने? दांत वाले थे 43 नग। 43 से। तो अभी अवेलेबल है कुछ? नहीं सर, अभी बिक गए। सब बिक गए। तो एक दो हम निकाल के दिखाएंगे सिर्फ व्यूवर्स को। ये वजन के बकरे कितने तक आते हैं? जैसा हमारा कैसा सर, ये जैसा कि बकरा वेट। अब ये काला बकरा दिखाते हैं आप नजदीक आइए काले बकरे के। ये क्या? जी जी जी। इसका डिटेल्स बताइए इसकी, ये कितने दांत पर है और कितना वजन है? ये सर जिंदा वेट इसका 55-60 किलो आएगा। 55-60 किलो जिंदा आएगा इसका वजन जी। और काट के आएगा। मुझे कम लग रहा है इसका, एक 50 किलो लग रहा है। 50 किलो पकड़िए आप भरी में सर जी। 55 पकड़ सकते, 50 से 55 पकड़ते हैं अपन जी, है ना। तो कितना मांग रहे हैं इसके आप? इसके हम 13,000 मांग रहे हैं। 13,000 रुपये फाइनल? नहीं कम ज़्यादा हो जाएगा सर। तो ये कितने तक हो जाएगा? ये 8-9 हज़ार तक आ जाएगा। 10,000 तो छोड़ जाएगा। 10,000 रुपये तक आ जाएगा ये। ये दांत लगाया है ना बकरे ने? दांत लगाया। तो ये कुर्बानी के लिए वगैरह चल जाएगा बकरा, है ना। तो एक बेसिकली अभी तो ईद को 2 महीने बाकी है, तो रेट यही रहेगा क्या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये 10,000 वाला जो बकरा है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अभी भरा हुआ है, ये ठोस बकरा है जी। तो ये ईद में कितने में मिलेगा ये? ये जब अपने 12-13-14 30-40% बढ़ जाती है प्राइस, है ना। एक दूसरा और एक बकरा दिखाते हैं हम, एक छोटा बकरा बताएंगे दांत लगाया हुआ, वो ब्राउन दिखा सकते हैं? ब्राउन है ना सर, ये आगे वाला ब्राउन। हाँ ये इसका कलर अच्छा है काफ़ी जी जी जी, इसका कलर काफ़ी अच्छा है भाई। इसका वजन कम आएगा ना भाई? हाँ जी इसका वजन कम आएगा। इसका कितना? 40 से 45? ये 40 kg आएगा। 40 kg आएगा ये जी। तो ये कितने तक दे देंगे फाइनल आप? फाइनल इसका हम 11,000 मांग रहे हैं। 11,000 मांग रहे हैं तो ये तो 8,000 में आ जाएगा ना? हाँ 8-9 तक मिल जाएगा। वो तो 8 में भी दे देंगे आप, है ना जी। कस्टमर जैसा रिक्वायरमेंट होंगी आपको मांगेगा तो आप दे देते हैं ना? मैं दे देते सर। ठीक है। तो आप हर शनिवार को आते हैं? हर शनिवार को आते हैं। तो आप 100 बकरे लाते हैं बोल रहे हैं डेली? तो कम ज़्यादा होते हैं क्या, उतना फिक्स है? नहीं कभी 80, कभी 100, कभी 125, कभी 90, जैसा आते हैं, जैसा रीज़न रहता है वैसा हम बकरा कम। अच्छा जैसे आपको बकरे मिलेंगे वैसे आप लाते हैं? लाते हैं उधर खरीद के। ठीक है। तो आप यहीं पर रहते हैं हमेशा? यहीं पर, यह स्पॉट है हमारा। ये स्पॉट है, ये मेन गेट है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ व्यूअर्स को। ये मेन गेट है तो यहाँ पर ये भाई यहाँ पर रुकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर रुकते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई। तो अगर किसी को लेना होगा तो यहाँ पर आएंगे, आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ भाई आपका नंबर शेयर करेंगे क्या? जी बोलिए। नंबर दूंगा ना सर, बोलिए। 83 जी 9000 जी 7992 जी। और दूसरी बात कि अगर ऐसा किसी को लगा है, अगर किसी को माल होना है तो अपन होम डिलीवरी भी करके देते, डिस्पैच भी करके। तो जैसे कि आप होम डिलीवरी करके देते हैं? हाँ जी। जो भी बकरा चाहिए होगा ऑर्डर लेते हैं आप? ऑर्डर लेते हैं आप जी। ठीक है। तो अगर किसी को कुछ रिक्वायरमेंट होंगी जैसा जो क्वालिटी का माल लगेगा ना जी, वैसा अपन आपसे इंक्वायरी कर लेते। ठीक है, तो मैं आपका नंबर स्क्रीन पर दे दूंगा। yes, तो जिस किसी को बकरे की रिक्वायरमेंट होंगी तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू दोस्तों। अभी हमने यहाँ पर ये बकरे देखे तो भाई ने इनका नंबर भी बताया है, तो अगर किसी को चाहिए रहेगा तो ज़रूर इन्हें कांटेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।